हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे पनीर की मसालेदार करी भुर्जी। आप इसे रोटी, रायता, नान के साथ खा सकते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल अब गर्म हो चुका है, अब इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 दालचीनी डालेंगे, 2 इलायची डालेंगे। अब इन सभी को थोड़ा सा चटकने देंगे। देखिए ये अब चटक चुके हैं। अब इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज को डाल देंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब 1 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 2 टमाटर को जिसे मैंने पीस लिया अब इसमें डाल देंगे। आप यहाँ पर काट के भी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह मिला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब इन सभी को मिला देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब इसे मैंने मिला दिया है। अब इसे हम ढक देंगे। ढक के 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाला जले ना। अब 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे हम मिला देंगे। फिर इसे हम ढक देंगे। ढक कर 1 उबाल आने देंगे। देखिए उबाल आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इसमें डाल देंगे। इसको तोड़ के डालना है, कद्दूकस करके नहीं। और इसे हम मिला देंगे और इसे हम फिर ढक देंगे। ढक के 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अब 7 मिनट हो चुके हैं, अब इसके ढक्कन को हम हटा लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे मिला देंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे हम ढक देंगे और ढक कर 1 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे। अब 1 मिनट हो चुके हैं, अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। पनीर की मसालेदार करी भुर्जी बनके तैयार है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।